क्या आपने कभी सोचा है कि रात में जब आप बिस्तर पर होते हैं तो कौन से जानवर बाहर निकलते हैं? हम क्लब बुक उठाएंगे और दादाजी पी के रात के समय के बगीचे को एक्सप्लोर करने में पेपा की मदद करेंगे। हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? हाँ, कहानी में स्वागत है। बटर टेल्स। हम आज कहानी सुनने जा रहे हैं नाइट क्रिएचर्स। ये एक रिप्टा क्लब बुक है और हम इसमें नई नई चीजें देखने वाले हैं। क्या बोलते हो बच्चों? पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिक के घर में सो रहे हैं। सोने से पहले वे दादा पिक को उनके बगीचे से स्लग और घोंगे इकट्ठा करने में मदद करते हैं ताकि वे उनकी सब्जियां ना खाएं। उन्हें खोजने का सबसे अच्छा समय रात में है, दादा पिक बताते हैं। हाँ, दो छोटे घोंगे और ये एक स्लग। कुछ जानवर हमारे जैसे होते हैं, वे दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, दादा पिग बताते हैं। तंग सो जाओ मुर्गियों। और कुछ जानवर पूरे दिन सोते रहते हैं, इसलिए वे ज्यादातर रात में जागते हैं। सच में इस पेड़ में एक रात का जानवर है। ये एक उल्लू है, पेपा कहती है। पिट्टू, क्या कोई और जानवर है जो रात में जागता है दादाजी? पेपा पूछती है। हाँ पेपा, दादा पिग जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि पत्तियों के उस पेड़ के ढेर के नीचे कुछ खेल हो सकता है। हेडजॉग्स, वो स्लग्स और घोंगे खाते हैं। हम और रात के जीवों की तलाश कर सकते हैं दादाजी? पेपा पूछती है। हाँ पेपा, दादा पिग कहते हैं। अपनी टॉर्च चालू करो और देखो कि क्या होता है। हेलो मिस्टर मॉथ्स। ये किट है, वे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, दादा पिग बताते हैं। ये रात के जीव पूरी रात जाग सकते हैं, दादा पिग कहते हैं। लेकिन आप दोनों निश्चित रूप से नहीं कर सकते। सभी जानवरों को शुभ रात्रि कहने का समय पेपा और जॉर्ज, ग्रैनी पिग कहते हैं। ये सोने का समय है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको भी रात में छोटे छोटे जानवरों को ढूंढना देखना अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर रात को सोना भी जरूरी होता है। अगर आपको नाइट क्रिएचर्स मिले तो बताना। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।